शेमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। हेलो डॉक्टर, किसके पेपर देख रहे हो? एक लापरवाह आदमी के, जिसे दुनिया भर की फिक्र है, खुद अपनी नहीं। तब तो उस आदमी का जीना कारगर हो गया डॉक्टर, जो अपने लिए नहीं औरों के लिए जी रहा हो। अपने लिए भी तू जीना सीखो गोपाल। अच्छा, तो ये गोपाल चोपड़ा के फेफड़े हैं? हाँ, इन फेफड़ों में बढ़ता हुआ कैंसर कभी भी तुम्हारी सांसों को रोक सकता है। अब तुम मान जाओ गोपाल, जल्द से जल्द बॉम्बे के हॉस्पिटल में चले जाओ। देखो वर्मा, तुम अच्छी तरह जानते हो मैं बच्चों से दूर नहीं रह पाऊंगा। मेरी बात मान लो गोपाल, वरना तुम्हारी पत्नी और बच्चियों को मुझे तुम्हारी बीमारी के बारे में बताना पड़ेगा। नहीं डॉक्टर, अगर तुमने बता दिया तो मेरे परिवार पर बहुत बड़ा अत्याचार हो जाएगा। मेरे मौत के लटकते साए में आशा एक टूटे पत्ते की तरह बेसहारा हो जाएगी। बसंती और बरखा जो नदियों की तरह छलकती रहती है, सूख जाएंगे, और मेरे बुलबुल जो 24 घंटे चहकती रहती है। बुलबुल, ओ बुलबुल, आई मामा। अरे बुलबुल, चल जल्दी आ, दूध पी ले, कब से बुला रही हूँ। आई मामा, लो। बस मामा, पूरा पी जा। शाबाश मामा, मैं फूलों को पानी देती हूँ। अच्छा सुनिए, बुलबुल की सारी दवाइयाँ खत्म होने को आई। अच्छा, शाम को दफ्तर से आते समय डॉक्टर साहब के पास से लेते आइएगा। अच्छा, भगवान करे और बुलबुल के दिल के छेद दवाइयों से ही ठीक हो जाए, ऑपरेशन की नौबत ना आए। आखिर डॉक्टर क्या कहता है? डॉक्टर कह भी क्या सकते हैं, इलाज ही कर सकते हैं। भगवान को ऐसी बीमारी देनी थी तो मुझे ही दे देता, मासूम बुलबुल को क्यों। सुनो, बरखा और बसंती आ रही हैं, उनके सामने कुछ मत बोलना। हाँ, आ गए तुम दोनों? यस पापा, ऑन टाइम। हाँ, राइट ऑन टाइम। हाँ भाई, तो हमें ये बताइए कि गर्मी की छुट्टियों में हमारे तीनों बेटे कहाँ घूमने चलेंगे? गर्मी की छुट्टियों में? हाँ? वाह पापा, गर्मियों में तो लोग शिमला घूमने आते हैं और हम शिमला छोड़ के कहीं और जाए। नो पापा नो, मैं तो जा ही नहीं सकती। क्यों? मुझे तो इन्हीं छुट्टियों में डांस की प्रैक्टिस करनी है पापा, और मुझे पियानो की प्रैक्टिस करनी है, और मुझे कराटे की, समझे पापा। तो हमारे बेटे कहीं नहीं जाएंगे, क्यों? पापा, आप और मामा घुमाइए ना। नो 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 नो, हम अपने बेटों को छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। पापा, आप बड़े झूठे हैं। ऐसे? अभी कह रहे थे कहीं नहीं जाएंगे और अब मोटर बाइक पे बैठ के चल दिए। चल शैतान, अभी तो दफ्तर जाना है। बाय। हेलो डॉक्टर, किसके फेफड़े देख रहे हो? एक लापरवाह आदमी के, जिसे दुनिया भर की फिक्र है, खुद अपनी नहीं। तब तो उस आदमी का जीना कारगर हो गया डॉक्टर, जो अपने लिए नहीं औरों के लिए जी रहा हो। अपने लिए भी तू जीना सीखो गोपाल। अच्छा, तो ये गोपाल चोपड़ा के फेफड़े हैं? हाँ, इन फेफड़ों में बढ़ता हुआ कैंसर कभी भी तुम्हारी सांसों को रोक सकता है। अब तुम मान जाओ गोपाल, जल्द से जल्द बॉम्बे के हॉस्पिटल में चले जाओ। देखो वर्मा, तुम अच्छी तरह जानते हो मैं बच्चों से दूर नहीं रह पाऊंगा। मेरी बात मान लो गोपाल, वरना तुम्हारी पत्नी और बच्चियों को मुझे तुम्हारी बीमारी के बारे में बताना पड़ेगा। नहीं डॉक्टर, अगर तुमने बता दिया तो मेरे परिवार पर बहुत बड़ा अत्याचार हो जाएगा। मेरे मौत के लटकते साए में आशा एक टूटे पत्ते की तरह बेसहारा हो जाएगी। बसंती और बरखा जो नदियों की तरह छलकती रहती है, सूख जाएंगे, और मेरे बुलबुल जो 24 घंटे चहकती रहती है, हमेशा के लिए खामोश हो जाएगी। नहीं डॉक्टर, मैं मरने से पहले नहीं मरना चाहता।
मैं मौत के आने तक जीना चाहता हूं। घबराओ नहीं गोपाल। मैं घबराता नहीं डॉक्टर। मेरे लिए तो दो ही सच्चाइयां हैं, एक है मेरी मौत और दूसरी मेरे परिवार की जिंदगी। मेरे बुलबुल का क्या होगा? तुम बुलबुल की चिंता मत करो गोपाल, बेफिक्र होकर बंबई चले जाओ। हॉस्पिटल में मेरे दोस्त डॉक्टर बिलिमोरिया है, उन्हें लिख देता हूं। रही बुलबुल की बात, तो उसके दिल की बीमारी के इलाज जिस तरह हम उसे बिना बताए दवाइयां देकर कर रहे हैं, करते रहेंगे। हाँ, अगर दवाइयों से उसके दिल का छेद नहीं भरा तो ऑपरेशन करना ही पड़ेगा। ऑपरेशन कब? करीब 6 महीने के बाद। ये दिल तो बुलबुल के लिए ही धड़कता है डॉक्टर, इसे निकाल कर उसके लगा दो। परेशान मत हो गोपाल, बुलबुल की जिम्मेदारी मुझ पर छोड़ दो। डॉक्टर, चाहे जो कुछ हो जाए, कैंसर की कोई भी स्टेज हो, बुलबुल के ठीक होने तक मैं जिंदा रहूंगा। मैं कल ही बॉम्बे जाने की कोशिश करता हूं। गुड, दैट्स लाइक गोपाल चोपड़ा। थैंक यू डॉक्टर। मिस्टर चोपड़ा, आप तो कहते थे कि आप अपने बच्चों से दूर नहीं रह सकते। मैं बच्चों के खातिर ही बंबई जाना चाहता हूँ सर। आप मेरा ट्रांसफर कर दीजिए, मैं आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगा। अरे इसमें एहसान की क्या बात है, ये तो मैं चाहता था कि आप बंबई ऑफिस का चार्ज ले लें। एक बात बताइए, कल आप बंबई जा सकते हैं? कल? यस सर, आई कैन सर। वेरी गुड। या तो बहुत खुश है या बहुत परेशान, एक सिगरेट एस्ट्रे में और दूसरी मुंह में, क्या बात है? मैं जा रहा हूं आशा। जा रहे हो? कहां? बहुत दूर, तुम सबसे दूर। पहले मत पूछो, क्या बात है? डर गई ना? अरे मेरी तरक्की हो गई है, मैं बॉम्बे ऑफिस का मैनेजर हो गया हूं और मुझे कल ही बंबई जाना है। कल ही? अरे हमने तो सोचा था मुबारकबाद दोगी। लेकिन लगता है हमारी तरक्की से तुम्हें खुशी नहीं हुई। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं। तो फिर? बच्चों का ख्याल आ गया। हाँ। बसंती और बरखा तो समझदार हैं, लेकिन बुलबुल आप तो जानते हैं, उसे जरा भी सदमा नहीं लगना चाहिए। मैं जानता हूँ आशा, लेकिन हमारे बच्चे इतने कमजोर नहीं हैं। देखना खुशी खुशी मुझे विदा करेंगे। लेकिन तुम तो मुस्कुराओ, न जाने फिर कब तुम्हारी ये मुस्कुराहट नसीब होगी। मुस्कुराओ ना, मुस्कुराओ। मान लो हमारे घर में एक परी आ जाए और वो तुम सबसे पूछे कि तुम्हारी सबसे बड़ी इच्छा क्या है, तो तुम क्या मांगोगे? लेकिन परी है कहाँ पापा? हाँ पापा, परी है कहाँ? परी? हाँ, ये लो, आ गई तुम्हारी परी मां। अब मांगो, क्या मांगना है? अच्छा बुलबुल, पहले तुम मांगो। मैं छोटी हूँ ना पापा, इसलिए एक नहीं दो चीजें मांगूंगी। दो मांगो। परिमा, एक तो मैं बहुत बड़े पियानो प्लेयर बनना चाहती हूँ, और दूसरी चीज मुझे बड़ा सा पियानो चाहिए। ये पियानो बड़ी गड़बड़ करता है। तुम्हारी इच्छा पूरी होगी बेटी। अब तुम्हारी बारी है बरखा, मांगो क्या मांगना चाहती हो। परिमा, मैं दुनिया की बहुत बड़ी डांसर बनना चाहती हूँ। तुम्हारी इच्छा भी पूरी होगी। नाउ मिस्टर बसंत। पापा, आपने ठीक ही कहा है। क्या? दीदी को अपने नाम के आगे मिस नहीं, मिस्टर लगाना चाहिए। हमारी दीदी किसी लड़के से कम नहीं है। अच्छा मांगो बेटा, क्या मांगना चाहते हो? परिमा, हमारे समाज में बेटी को एक बोझ समझा जाता है। मैं ये साबित कर देना चाहती हूँ कि बेटी किसी बेटे से कम नहीं होती।
तुम्हारी इच्छा भी पूरी होगी। तुम सबको तो परिवार ने आशीर्वाद दे दिया, लेकिन अब तुम्हारे सपने सिर्फ तुम्हारे नहीं हमारे भी सपने हैं, और शायद इसीलिए भगवान ने मेरी तरक्की कर दी। आज मैं अपने कंपनी की बंबई ऑफिस का मैनेजर बन गया हूं, और इसीलिए आज मुझे बंबई जाना है। नहीं पापा नहीं, मुझे कोई पियानो नहीं चाहिए, कोई सपना नहीं पूरा करना, मुझे सिर्फ पापा चाहिए। मामा पापा को बंबई मत जाने दो, पापा को रोक लो मामा, पापा को रोक लो। बुलबुल ठीक कह रही है पापा, हम आपके बिना नहीं रह सकते पापा। तो ठीक है, अगर तुम लोग नहीं चाहते तो पापा नहीं जाएंगे। इसमें कौन सी बड़ी बात है। थैंक यू पापा, हाउ स्वीट ऑफ यू पापा। लेकिन बुलबुल डार्लिंग, बरखा और बसंती के सपने भी तो हमारे सपने हैं ना। हाँ। तो क्या तुम चाहती हो उनके सपने अधूरे रह जाए। नहीं पापा। क्या तुम चाहती हो पापा ने ऑफिस में जो वादा किया है वो पूरा ना हो। नहीं पापा। तो क्या है तुम्हें अच्छा लगेगा अगर लोग मेरे बच्चों को कमजोर कहे और मेरी बदनामी हो जाए। नहीं पापा नहीं, आपकी बदनामी नहीं होनी चाहिए। तब तो मुझे जाना होगा ना। हाँ। अगर ऐसा है बुलबुल बेटे तो आप हमें खुशी खुशी विदा करेंगे। मिस्टर बसंती तो नहीं रोएंगे, कभी नहीं रोएंगे। क्यों नहीं रोएंगे पापा। तुम? नहीं रोएंगे पापा। गुड, तो आप सब लोग हमें खुशी खुशी विदा करेंगे ना। यस पापा। थैंक यू। अरे भाई कौन कहाँ जा रहा है बिना मुझसे राय लिए। नमस्ते दीदी, नमस्ते। हाँ खुश रहो खुश रहो। मैं जा रहा हूँ बम्बई। हाय राम, बम्बई इतनी दूर और बिना मुझसे राय लिए। आंटी इस बार पापा ने हमसे राय ले ली। अरे तू चुप रहना। देख गोपाल, तू मुझे मुंह से दीदी कहता है लेकिन दिल में दीदी नहीं मानता। अगर दिल से दीदी मानता तो मेरी राय जरूर लेता। नहीं दीदी, मैं तो तुम्हें सगी दीदी से ज्यादा मानता हूँ। अब खुशामद न करना, अब भी कहती हूँ कि मेरी राय ले ले। ट्रेन किसी की राय से नहीं घड़ी से चलती है आंटी, पापा को देर हो रही है। अच्छा गोपाल भैया जाओ, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। बम्बई में किसी राय की जरूरत है तो चिट्ठी लिख के पूछ लेना। हाँ। अच्छा अच्छा, अपना और बच्चों का ख्याल रखना, मेरी चिंता मत करना। बुलबुल रो रही हो क्या? नहीं दीदी। बरखा तुम रो रही हो? नहीं दीदी। तो फिर क्या मैं रो रही हूँ? हाँ दीदी तुम ही तो रो रही हो। तुम दोनों भी तो रो रही हो, पापा की याद आ रही है ना? हाँ। बुलबुल हमने पापा को प्रॉमिस दिया है हम रोएंगे नहीं, अगर हम रोए तो हमारा प्रॉमिस छूटा हो जाएगा। दीदी आज मामा अकेली हो गई ना, मैं मामा के पास जाके सो जाऊं? हाँ बिल्कुल जाओ। मामा पापा की बहुत याद आ रही है। अरे बेटी तू तो पापा की बहादुर बेटी है ना। हाँ। रोते नहीं। अच्छा मामा मैं आपके पास सोऊं? हाँ सो जा। आजा। मामा मामा हमारे पड़ोस में इतना बड़ा पियानो आया है। अच्छा उस बंगले में कौन रहने आया है मामा? पहले तो वहाँ कोई नहीं रहता था। सुना है वो बंगला किसी बड़े आदमी ने खरीदा है, शायद वही आया होगा।